हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पेज नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था और अभी हमें पेज नंबर 24 में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो स्टार्ट करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 24 इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, बट हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। 1 से 7 तक कंप्लीट हो गए हैं, 8th क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। तो हमें बताना है कि जो चेंजेस, ये जो हमें चेंजेस दे रखे हैं, ये फिजिकल हैं या केमिकल हैं। फर्स्ट चेंज है कटिंग ऑफ ट्रीज। तो देखो, पेड़ों को काटना एक फिजिकल चेंज है। देखो, ये चीज़ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगी फिजिकल चेंज में क्या होता है, कि भाई कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता। और केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल ऐसा चेंज है जो रिवर्सिबल होता है और केमिकल ऐसा है जो इरिवर्सिबल होता है। ये भी एक पॉइंट है, बट यहाँ पे हमें ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ अप्लाई करनी है कि नया प्रोडक्ट जिसकी नई प्रॉपर्टीज़ हैं वो बन रहा है कि नहीं। जैसे फर्स्ट में ही देख लो, कटिंग ऑफ ट्रीज़ है। अब कटिंग ऑफ ट्रीज़ क्या है, एक इरिवर्सिबल है ना। एक बार पेड़ कट गया तो वो पेड़ वापस से खड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो है इरिवर्सिबल है। बट हम इसे फिजिकल चेंज कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। वो पेड़ था, वो पेड़ ही हमने काट दिया, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। वो पहले भी ट्री था, अब भी ट्री है, कोई प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इज़ अ रिवर्सिबल, नो नया चेंज, मतलब कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं आई, तो फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अब रस्टिंग ऑफ अलमीरा एक केमिकल चेंज है। क्यों? देखो, रस्ट हम हटा तो सकते हैं, पर वो रस्ट बनी कैसे, वो आयरन जो है वो रस्ट में चेंज हो गया, मतलब एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, आयरन का रस्ट बन रहा है और उस रस्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आयरन से, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग वाटर इंटू स्टीम, ये तो फिजिकल चेंज है। वाटर से स्टीम बना लो, स्टीम को कंडेंस करो, दोबारा वाटर बन जाएगा, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। पासिंग करंट थ्रू वाटर टू ब्रेक इनटू गैसेस। अब वाटर से जब हम बिजली पास करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो देखो, ये है एक केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टीज़ अलग थी, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली गैसेस बन रही हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं नई नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो ये एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। अब देखो, कॉमन सॉल्ट को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम इवेपोरेशन से दोबारा से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद ड्रॉ फ्रूट्स, यहाँ पे भी देखो, अब एक बार हमने सैलड बना ली तो हम वापस से उनको दोबारा से फ्रूट्स नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल तो है, बट कोई नया प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं हुआ है ना। जो नया प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं हुआ, वो पहले भी फ्रूट्स थे, कटने के बाद भी फ्रूट्स हैं, उनकी शेप साइज में चेंज आया है, तो इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड या कोई भी चीज़, इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि पेपर के जलने पे ऐश बचता है, वुड के जलने पे नीचे राग बचती है, तो ये सब जो है, ये सब नए प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो ये एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट पेज नंबर 28, 29, 30 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, क्वेश्चन नंबर 9 बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टेक्निक विल यू अप्लाई टू सेपरेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये, क्योंकि इसमें हमसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू सेपरेट सोडियम, जैसे अभी फर्स्ट में हमें बोला है ना सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर, तो ऐसे हमसे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर। अगर ऐसे इंडिविजुअली आता है तो आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, ऐसे पॉइंट्स में आता है तो सिर्फ नाम लिखते रहो। सो विच टेक्निक विल यू अप्लाई टू सेपरेट, फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर। सोडियम क्लोराइड को वाटर से हटाने के लिए, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, कॉमन सॉल्ट, तो नमक को पानी में से हटाने के लिए क्या करोगे, इवेपोरेशन। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक सबलाइन मटेरियल है, सो इट विल अंडरगो सब्लिमेशन। वो सब्लिमेशन करेंगे, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट गैस बन के ऊपर चला जाएगा, सोडियम क्लोराइड नीचे बच जाएगा। स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल, अब स्मॉल पीसेज हैं मेटल के इंजन ऑयल में। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैग्नेट का यूज़ आप नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे मेटल बोला है और नॉट ऑल मेटल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। आयरन, निकल, कोबाल्ट, यही तीन होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और सारे मेटल्स अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से,
तो अगर यहाँ पे हमें सिर्फ मेटल बोला है तो हम यहाँ पे मैग्नेट का यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो इंजन ऑयल नीचे आ जाता है और मेटल के पीसेस ऊपर रह जाते हैं, तो इट इज़ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। अब ये क्रोमैटोग्राफी का प्रोसेस याद करना है, इसका आंसर क्रोमैटोग्राफी है। क्या होता था उसमें, एक कंपोनेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स जो बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट हैं उन सबको सेपरेट करना, उसे हम क्रोमैटोग्राफी कहते थे। एक जो जैसे मान लो एक ब्लैक कलर की डाई है, उसमें से आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स निकालने कि वो कौन कौन से कलर्स से बना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, क्रोमैटोग्राफी। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, एक फ्लावर के पेटल में से उसके अलग अलग पिगमेंट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे भी हम क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, बटर फ्रॉम कर्ड। तो बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, घरों में होता भी है, मतलब मशीन से नहीं होता, वो हाथों से उसको घुमाते रहते हैं जब कर्ड को, तो वो बटर में चेंज हो जाता है, तो इट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, इट इज़ वेरी सिंपल, ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर की ज़्यादा है, ऑयल ऊपर रहेगा वाटर नीचे, सेपरेटिंग फनल में डालेंगे और उसको ऑन कर देंगे, सेपरेटिंग फनल का स्टॉप कॉक ओपन कर देंगे तो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ जाएगा, सेपरेटिंग फनल जब बंद कर देंगे ऑयल ऊपर रह जाएगा, वाटर सारा नीचे आ जाएगा, सो सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट, टी लीव्स फ्रॉम टी। तो ये तो देखो हर दिन आप घर में देखते ही होगे, फिल्ट्रेशन नॉर्मल, ठीक है, चाय पत्ती को चाय से कैसे हटाते हैं, छन्नी का यूज़ करके, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन। एट्थ पार्ट, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। अब आयरन पिंस को हम सैंड में से कैसे रिमूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आयरन वर्ड मेंशनड है ना, तो आयरन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेट का हम यूज़ करेंगे, आयरन की पिंस उस पर चिपक जाएंगी, सैंड अलग और आयरन की पिंस अलग। वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं विनोइंग से। क्या होता है इसमें, मतलब ये प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने और बुक में था भी नहीं। विनोइंग में क्या होता है कि वीट ग्रेन्स और हस्क, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसमें से जो हस्क होता है वो काफ़ी हल्का सब्सटेंस होता है जो बहुत थोड़ी सी हवा में भी उड़ जाता है, और वीट ग्रेन्स तो वो होते ही हैं, गेहूं के बीज वो सब, तो हम क्या करते हैं उनको ऊपर मतलब थोड़ा सा हाइट पे ले जाके नीचे की तरफ गिराते हैं। इससे क्या होता है, जो वीट ग्रेन्स हैं वो तो नीचे इकट्ठा होते रहते हैं और हवा की वजह से जो हस्क हैं वो रास्ते में ही उड़ के कहीं और साइड में इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे एयर का यूज़ होता है बेसिकली, मूविंग विंड का या मूविंग एयर का, तो विनोइंग इज़ दिस प्रोसेस। लास्ट, फाइन मड पार्टिकल्स इन वाटर। मड पार्टिकल्स हैं वाटर में, क्या करेंगे, लोडिंग, जो हम वहाँ करते थे वाटर सप्लाई जो होता था घरों में, उसमें जो पूरा प्रोसेस पड़ा था उसमें था ना लोडिंग टैंक, तो लोडिंग टैंक में क्या करते थे, एलम ऐड करते थे, ठीक है, एलम फिट करी कहते हैं हिंदी में, तो वो ऐड करते थे जिससे मड के पार्टिकल्स उस पर चिपक जाते थे और वाटर साफ हो जाता था। 10th 11th क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है इस पेज के, ठीक है, तो उनको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर या फिर एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल, इफ़ वी कंटिन्यूसली ऐड कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अगर हम कॉमन सॉल्ट वाटर में कंटिन्यूसली ऐड करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें और डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो जब वो टाइम आ जाएगा कि उसमें और कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा, उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन इज़ सैचुरेटेड, क्योंकि और कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा उसमें, ऐड हो सकता है ना, ठीक है, ऐड तो हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, बट बात है डिसॉल्व होने की, कि वो डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं, जिस टाइम पे वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा दैट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखें, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जब डेफिनेशन लिखें तो आप उसमें ये लिखें कि वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, ऐड नहीं, क्योंकि ऐड तो हम कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बना है, एटम से या मॉलिक्यूल से, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, आयरन, वाटर, कार्बन या जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बना है। कोलॉइड। कोलॉइड को कैसे डिफाइन करेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल
इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मतलब वो सॉल्यूशंस जिनके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच में है, मतलब ना इतना बड़ा ना इतना छोटा, उससे हम कहते हैं कोलोइड। ये दिखते होमोजीनियस हैं बट एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होते हैं, एग्जाम्पल इंक, ब्लड, जेली एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर, मतलब वो मिक्सचर्स, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है और वहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो स्प्रेड रहते हैं विदाउट डिजॉल्विंग, मतलब वो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज बता दी, एक कि वो तीन बता दी वैसे तो, एक तो हेट्रोजीनियस है, एक उनका साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा है, और थर्ड कि उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते, सो दैट इज सस्पेंशन। एग्जाम्पल मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लासीफाई एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सोडा वाटर। सोडा वाटर में आप अलग अलग पार्टिकल्स ही देख सकते हो, वो आपको एक क्लियर वाटर ही दिखता है, ठीक है, बस थोड़ा सा कलर में चेंज, मतलब बाकी वो क्लियर वाटर दिखता है, सो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। वुड क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वुड में बहुत सारे पार्टिकल्स, कार्बन भी होता है, ठीक है, मतलब अलग अलग पार्टिकल से बनी होती है वुड, तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एयर, एयर क्या है? अब एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है बिकॉज हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप सामने देख के ये नहीं बता सकते कि वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो आर्गन है, तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉइल, सॉइल इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ सॉइल में सैंड के पार्टिकल्स हैं, कुछ में नाइट्रोजन है, कुछ में कार्बन है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विनेगर अगेन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर क्योंकि हम उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिल्टर्ड टी, फिल्टर्ड टी भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि वहाँ पे टी लीव्स तो हमने छान दी, देखो फिल्टर्ड है ना, मतलब जो टी लीव्स हैं वो छन गई हैं, अब सिर्फ चाय है हमारे पास, अब हम चाय में थोड़ी ना देख सकते हैं कि क्या चीज़ चाय पत्ती के कलर यहाँ पे हैं वैसे हैं, सो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। 14th, हाउ डू यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड इज़ अ प्योर वाटर? आपको एक कलरलेस लिक्विड दे रखा है, कैसे बताओगे प्योर वाटर है? पी के नहीं, ठीक है, क्योंकि पॉइजन भी तो हो सकता है, ऐसे नहीं पी सकते किसी भी लिक्विड को, सो इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, ये चीज़ हमें पता है, तो हम प्योर वाटर को बस बॉइल कर देंगे, ठीक है, मतलब प्योर वाटर नहीं है अभी वो कलरलेस सॉल्यूशन है, हम उस कलरलेस सॉल्यूशन को बॉइल कर देंगे, तो अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही बॉइल करना स्टार्ट कर जाए तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम नहीं फिर तो हम कन्फर्म कर सकते हैं कि वो प्योर वाटर है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़। इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे।